1621 में फ्रांस में एक मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग को फ्रांस के कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस मिस्टर जीन बैप्टिस्ट हेड कर रहे थे और इस मीटिंग में जीन बैप्टिस्ट के साथ फ्रांस के जो बड़े व्यापारी थे वो लोग मौजूद थे। इस मीटिंग में चर्चा हो रही थी कि कैसे फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन को या फिर औद्योगिकीकरण को तेज किया जाए, कैसे यहाँ के उद्योग धंधे तेजी से नरिश हों। तो जब उन्होंने ये सवाल व्यापारियों से पूछा तो उसमें से एक व्यापारी ने जवाब दिया, लेस इज नाउ फेयर। इसका मतलब है कि लीव इट टू अस, यानी कि इसे हमें करने दो या फिर आप कुछ मत करो। और इस मीटिंग से ही एक टर्म क्वाइन हुआ जिसका नाम है लेसेज़फेयर। बाद में ये टर्म दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ और एक बड़ी जो इकोनॉमिक की अवधारणा थी वो लेसेज़फेयर की, जिसको एडम स्मिथ ने काफ़ी कुछ इसके बारे में कहा, लिखा, पढ़ा और दुनिया में कई जगहों पर इसका इस्तेमाल भी किया गया। तो ये लेसेज़फेयर वहाँ से निकला, फ्रांस से निकला और उसके बाद एक अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत बन गया। ये सिद्धांत कहता है कि बाजारों को उनके हालात पर छोड़ दिया जाए, वो खुद ही अपना आकार ले लेंगे और जो भी होना होगा वो खुद कर देंगे, यानी कि सरकारी हस्तक्षेप बाजार या अर्थव्यवस्था के मामले में मिनिमम हो। हालांकि बहुत से अर्थशास्त्री इस जो लेसेज़फेयर की जो का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ नहीं है, वो लोग कई लोग इसको गलत भी मानते हैं। तो तमाम तरह की अवधारणाएँ उसको उससे निकली, लेकिन लेसेज़फेयर जो टर्म था, आज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दुनिया में जो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वो सब इसी का एक रूप हैं। जब जो दो देशों के बीच कोई बाउंड्री नहीं होगी, यानी कि उनके एक दूसरे के आयात निर्यात पर किसी तरीके का कोई कर नहीं होगा, वो मुक्त रूप से एक सामान दूसरे देश को भेज सकेंगे और दूसरा देश कोई सामान किसी दूसरे देश को भेज सकेगा, इसे ही मुक्त व्यापार बोलते हैं। जैसे कि आप इसका एक रूप भी आसियान के रूप में देख सकते हैं। आसियान के जो 10 देश हैं उनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि उन देशों के बीच किसी तरीके का टैक्सेशन नहीं है कि कोई देश किसी दूसरे देश को निर्यात करता है या फिर वहाँ से आयात करता है, इनके बीच किसी तरीके का बैरियर नहीं है। आज का जो हमारा विषय है वो इसी पे डिपेंडेंट है। हम आज बात करेंगे RCEP की। RCEP का मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसकी अवधारणा एक आसियान के कंबोडिया समिट से ही हुआ था कि एक RCEP बनाया जाए जिसमें कि आसियान के साथ आसियान से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखने वाले 6 कंट्री हैं, यानी कि आसियान के 10 देश और वो 6 देश जिनमें कि भारत भी है, भारत है, भारत के साथ चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है और साउथ कोरिया है, ये जो 6 देश हैं इनका आसियान से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और अब RCEP में ये चर्चा हो रही है कि ये जो 10 आसियान के और जो 6 अलग देश हैं ये सब मिल करके आपस में एक फ्री ट्रेड जोन बनाएं। सुनने में तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो, एक ऐसा जोन बने जिसमें कि कई देश आपस में मुक्त व्यापार कर सके, यानी कि किसी तरीके का सरकारी हस्तक्षेप न हो। लेकिन ये जो RCEP की अवधारणा है, शुरुआत में तो भारत सरकार इसके लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन इस समय जब इसकी घड़ी नज़दीक आ रही है, जब ये समझौता होने वाला है, तब इस देश में एक घबराहट का माहौल बना है। और ये लगभग उसी तरह है जैसा कि 80 के दशक में जब देश में कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, या फिर PV नरसिम्हा राव के समय में जब इस देश में लिबरलाइजेशन हुआ था। दोनों समय पर इस देश में एक पैनिक क्रिएट हुआ था, लोगों को लग रहा था कि अगर इस देश में कंप्यूटर आएंगे तो उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। हालांकि ये जो कंप्यूटर के आने से इस देश का विकास ही हुआ और आज हमारे सर्विस सेक्टर को आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा उसका आकार है, वो कारण राजीव गांधी की उस समय की जो दूरगामी सोच थी वो वही था। और दूसरा, लिबरलाइजेशन के समय जब PV नरसिम्हा राव ने उदारीकरण किया, देश की अर्थव्यवस्था को खोला, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि देश ने कितना विकास किया। लेकिन ये जो RCEP है इसमें भी इसी तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगर ये 16 देश एक जोन के रूप में कार्य करते हैं या फिर एक इनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो उससे भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि अगर ये बनता है तो भारत को क्या नुकसान हो सकता है और भारत को होने वाले संभावित फायदों के बारे में भी हम आज डिटेल में बातचीत करेंगे। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है अगर ये मूर्त रूप लेती है तो उससे होने वाले संभावित फायदों की बात करें। इन 16 देशों में दुनिया की लगभग 45% आबादी रहती है, उसके साथ ही दुनिया के निर्यात का लगभग 1/4 इन्हीं देशों से होता है, विश्व की GDP का 30% हिस्सा इन्हीं देशों से आता है। ये 3 वो बातें हैं
जिनसे ये साबित होता है कि ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट होगा जिससे भारत को एक बड़ा बाजार आसानी से उपलब्ध हो सकेगा, यानी कि भारत के पास एक बड़ा मार्केट होगा अपनी चीज़ों को वहाँ पर भेजने के लिए। वहाँ पर कंज्यूमर बेस ज़्यादा है, 45% पॉपुलेशन अगर रह रही है तो इसका मतलब है कि बड़ा कंज्यूमर बेस है, तो इससे भारत को, भारत के निर्यात को प्रोत्साहन होगा जिससे देश में बेरोजगारी कम होगी और हमारी जीडीपी भी लगातार बढ़ेगी। ये तो हो गए वो संभावित लाभ जो भारत को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत की चिंताएं क्या हैं, क्यों परेशान है भारत में लोग, इवन विपक्ष ही नहीं सरकार भी परेशान है। तो सरकार की जो जो मुख्य बिंदु है भारत के वो क्या हैं? तो देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है वो भारत का ट्रेड डेफिसिट है। भारत का ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। और अब बात करें चीन की, तो केवल 16 में से एक देश की बात करें चीन की, तो चीन के साथ भारत का $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। हालांकि भारत और आसियान के बीच पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन वहाँ पर भारत की स्थिति ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे चाइना की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, साउथ कोरिया की, तो फिर वहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि भारत का ट्रेड डेफिसिट बड़ा है। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि ये जो आरसीईपी के प्रपोज 16 कंट्रीज़ हैं, इनमें से 11 देशों के साथ भारत ट्रेड डेफिसिट की स्थिति में है। अगर केयर की रिपोर्ट को देखें तो 2019 के पहले 8 महीनों में भारत की जो निर्यात की रेट है वो 11.8 से घटकर 1.4% पर आ गई है, यानी कि भारत काफ़ी कम निर्यात कर रहा है। आरसीईपी के संभावित नुकसानों को कुछ एग्जाम्पल से समझिए। बांग्लादेश की टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो नरिश कर रही है, और बांग्लादेश से भारत में कपड़ों का निर्यात इतना बढ़ा कि इस देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ध्वस्त हो गई, जो कि कभी भारत में सबसे अच्छी थी। आपको याद होगा कि इस फ्रीडम मूवमेंट के टाइम भी महात्मा गांधी चरखे से कपड़ा बुनना ही सिखाते थे। आरसीईपी से होने वाले संभावित नुकसानों को एक और एग्जाम्पल से समझिए कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कृषि विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो न्यूजीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट्स की भरमार हो जाएगी, क्योंकि कोई किसी तरीके का टैक्स नहीं होगा, तो न्यूजीलैंड से सस्ते डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में आएंगे, और जो भारत इस समय दुनिया में मिल्क प्रोडक्ट में नंबर 1 की स्थिति में है वो पिछड़ जाएगा और भारत की डेयरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो किसान हैं वहाँ पर एक किसान 600 गायों को पालता है, बड़ी इंडस्ट्री कम मानव संसाधन में ज़्यादा आउटपुट वहाँ पर निकल रहा है, तो इसका सीधा सा असर भारत की डेयरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसको लेकर के किसान चिंतित हैं। पी में विभिन्न मुद्दों को लेकर के कंसेंसस बन चुका है, लगभग 90% जो इश्यूज थे वो सॉल्व कर लिए गए हैं। कुछ ही मुद्दे अभी भी बाकी हैं जिन पर की समझौता होना है, जिनमें से कि सर्विस सेक्टर भी एक मुद्दा है, एक इशू है अभी, इस पर भी पूरी तरीके से सब कुछ व्यवस्थित नहीं हुआ है। भारत ये चाहता है कि सर्विस सेक्टर भी अन्य सेक्टर्स की तरह ही प्रॉपर हो, मतलब इस पर भी कोई किसी तरीके की रोक टोक ना हो, कोई बाधा ना हो, किसी तरीके का टैक्स ना हो। और उसके साथ साथ भारत की एक चिंता और भी है जो जेनरिक मेडिसिन को लेकर के, भारत जेनरिक मेडिसिन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, और अगर भारत इसमें शामिल होता है तो हो सकता है कि भारत को बाद में पेटेंट कानूनों से भी लड़ना पड़े। अभी डेवलपिंग नेशन होने के कारण भारत को पेटेंट नियमों से काफ़ी छूट मिली हुई है, और वर्तमान में चीन जो है वो भारत की जेनरिक मेडिसिन नहीं लेता है, उस पर टैक्स लगाता है। और अगर ये एग्रीमेंट हुआ जेनरिक मेडिसिन और जो हमारा सर्विस सेक्टर है इनको लेकर के भी एक कंसेंसस बनता है, तो उससे भारत जरूर ही अग्रणी स्थिति में खड़ा होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है कि चीन जो है वो इस आरसीईपी के लिए बहुत ज़्यादा उतावला है, यानी कि चीन का दबाव ज़्यादा है कि जल्द से जल्द आरसीईपी एक स्ट्रक्चर ले और जल्द ही एक मुक्त व्यापार इन देशों के बीच स्टैब्लिश हो। चीन का कारण ये है कि ट्रेड वॉर के कारण चीन में इस समय आप जान ही रहे हैं कि चीन की जीडीपी कम हो रही है, ग्रोथ रेट वहाँ का कम हो रहा है। उसका सबसे बड़ा मुद्दा जो मुख्य कारण है वो अमेरिका है। तो ट्रेड वॉर के कारण चीन जो अपनी डेफिसिट की स्थिति में है वो ये चाह रहा है कि अगर इस क्षेत्र में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उससे वो अपनी जो वहाँ पर दिक्कतें हैं उसको यहाँ से सॉल्व कर ले। देखिए, भारत के साथ एक और फ़ायदा हो सकता है अगर ये हुआ, तो सारा जो व्यापार होने वाला है वो नॉर्थ ईस्ट से होगा। हालांकि व्यापार हमारे जो समुद्री इलाके वहाँ से भी होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से भी व्यापार होने के रास्ते खोलेंगे, इससे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट होने के काफ़ी चांसेस हैं। अब मैं आता हूँ, जो मैंने आपको शुरुआत में कहानी सुनाई थी लेसेस फेयर वाली, वहाँ पर आता हूँ। दुनिया जो है उसने कई आकार लिए, उसमें ग्लोबलाइजेशन भी था। तो जब वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वैश्वीकरण में कई चीज़ें शामिल होती हैं। वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट पिछले 20 सालों तक बहुत तेज़ी से उभरा,
और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि ये जो अवधारणा थी ये कम हो रही है, अब जो देश है वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं संरक्षणवादी नीतियां बन रही हैं। आप कई तरीकों से इसको देख सकते हैं, हालांकि जिसमें डेटा सिक्योरिटी से लेकर के जो वो है इकॉनमी है उसको लेकर के अमेरिका की ट्रेड वॉर, हर तरीके से जो पहले संगठन बन रहे थे दुनिया को एक करने के लिए, अब लोग थोड़ा संरक्षणवादी होते जा रहे हैं। तो अब संरक्षणवाद कितना इफेक्टिव होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, तमाम चीज़ों के बावजूद इसमें ये तो ज़रूर होगा कि अगर ये मुक्त व्यापार समझौता होता है तो इन देशों से निवेश भी तो होगा, जिनमें से कि साउथ कोरिया है, चाइना है, जापान है, जापान ऑलरेडी भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इनसे भारत में बड़ा निवेश भी आने की पूरी संभावना है और निवेश हमेशा अपने साथ रोजगार लाता है। तो अब इसका जो आउटकम होगा वो तभी भारत के लिए बेनिफिशियल होगा जब भारत इस आरसीईपी में अपनी शर्तों पे शामिल हो, यानी कि भारत जो अपने भारत के जो मुख्य मुद्दे हैं जिनमें से कि मैंने पहले भी बताया, जेनरिक मेडिसिन, सर्विस सेक्टर और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, अगर भारत उन पे किसी समझौते की स्थिति में प्रॉपर तरीके से पहुँचता है तो ज़रूर आरसीईपी में शामिल होने से भारत को लाभ होगा। धन्यवाद।